औरैया पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी ने जिले में अपराध रोकने के लिए नई पहल की शुरुआत की, जिसमें औरैया पुलिस ने खानपुर में गुंडा एक्ट के विरुद्ध 4 अपराधियों के घर के बाहर ढोल बजवाए। साथ ही पुलिस ने खुद माइक के माध्यम से इन अपराधियों को जिला छोड़ने की चेतावनी भी दी। पुलिस बल ढोल बजाने वाले लोगों के साथ जैसे ही खानपुर पहुंचे तो गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं गांव में ही रहने वाले अलग अलग मामलों में जिला बदर अपराधियों के घरों में बाहर ढोल बजाए। इसके साथ ही पुलिस ने खुद ही माइक से जिला बदर अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला छोड़ने की चेतावनी भी दी। साथ ही गांव वालों को भी हिदायत दी। पुलिस की इस नई पहल को देखने के लिए भारी संख्या में आसपास के लोग भारी पुलिस बल को देखे डरे हुए दिखे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है तो पुलिस के डर से अपराधी खुद सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम व जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने अपराध रोकने व अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जनपद में एक नई पहल की शुरुआत की है, जहां औरैया कोतवाली थाना क्षेत्र के खानपुर गांव के गुंडा एक्ट के 4 अपराधी कपिल, अकिल, जूली, गुंडू नाम को जिला बदर रहने के लिए गाँव में सचेत करने के लिए औरैया पुलिस ने मुनादी की। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने अपराध रोकने के लिए नई पहल की शुरुआत की, जिसमें औरैया कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने खानपुर में गुंडा एक्ट के विरुद्ध 4 अपराधियों के घर के बाहर ढोल बजवाई और माइक से उन्हें जिला छोड़ने की चेतावनी भी दी। कोतवाली प्रभारी मुकेश चौहान व क्राइम इंस्पेक्टर श्यामव्रत भारी पुलिस बल व ढोल बजाने वाले लोगों के साथ खानपुर पहुंचे, जहां पर अलग अलग मामलों में जिला बदर अपराधियों के घरों में बाहर ढोल बजाए। इसके साथ ही पुलिस ने खुद ही माइक से जिला बदर अपराधियों को जिला छोड़ने की चेतावनी भी दी। पुलिस की इस नई पहल को देखने के लिए भारी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हुए। कोतवाली प्रभारी मुकेश चौहान ने बताया, खानपुर निवासी 4 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई है, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर किया गया है। ऐसे अपराधियों को जिला सीमा छोड़ने के लिए उनके घरों के बाहर पहले नोटिस चस्पा किया गया था, मुनादी कराकर उन्हें चेतावनी भी दी गई। जून में मुकदमा दर्ज किया गया था और दिसंबर तक इन अपराधियों को जिला बदर रहने की मुनादी कर अपराधियों को सचेत किया गया है। सूचित किया जाता है जूली क्रोशी पुत्र इकबाल, कफील उर्फ कफील पुत्र लद्दू बोनो, अकील पुत्र लद्दू बोनो, गुद्दू उर्फ छदामी पुत्र निजामुद्दीन कुरेशियन निवासी मोहल्ला खानपुर। इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण जिलाधिकारी औरैया महोदय द्वारा 6 माह के लिए इन्हें जिला बदर घोषित किया गया है। ये लोग 6 माह तक जिले की सीमा में नहीं रहेंगे। यदि जिले की सीमा में पाए गए तो इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यदि ये लोग जिले में कहीं दिखाई देते हैं, इसकी सूचना पुलिस को दें। धन्यवाद।